गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दोस्त राज यादव आपके चैनल पे तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता है। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि मेरा ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है और मैं ना कंटिन्यू चक्कर लगा रहा हूँ। गाड़ी होते हुए भी मुझे पैदल जाना पड़ता है और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। देख पा रहे होगे आप, ऑटो से जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर क्या भाई, मुझे गाड़ी नहीं चलानी पड़ती है, आराम से मैं बैठ के चला जाता हूँ। थोड़ी दिक्कत होती है पर खैर कोई नहीं, मैनेज कर लेता हूँ। जैसे आपने देखा होगा यूपी में ऑटो दिखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है ऑटो है, और अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या नाम बोलते होंगे आप बताना। तो इससे मैं ना सफ़र कर रहा हूँ, और आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन बताऊँ, मैंने इस ये ऑटो है ना, इसको मैं जगह जगह बदलता हूँ। अभी तक मैं अपने घर से इस ऑटो से आया था, अब यहाँ से मैं आगे जाऊँगा बैटरी वाली गाड़ी से। ये आपको आगे दिख रही है जो, ये इससे आगे अब निकल गया हूँ मैं। अब ये सेकेंड सवारी है मेरी, इससे मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए आगे। आगे मैं इसके लिए बैठा हुआ हूँ, एक तो मैं अच्छे से अच्छे आपको व्यू दिखा पाऊँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि आगे थोड़े क्या झटके बैटरी वाले में कम लगते हैं, वही इसलिए मैं आगे बैठा हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पीछे बैठूंगा तो वो इतने धसके देगा कि एक बम की जगह दूसरे बम में भी मेरा ऑपरेशन हो ही जाएगा। ये दोस्तों जयपुर के, मतलब मैंने इसको चार दीवारी बोली जाती है, जो आपको दिख रही है ना अभी सामने, ये चार दीवारी है और अजमेरी गेट इसका नाम बोला जाता है। और यहीं से है ना पुराना जो जयपुर है, जो राजा महाराजाओं का इस टाइम का है ना, इस ये जो आगे चार दीवारी, इसके अंदर ही है सब कुछ। बाद में जो जयपुर बसा हुआ है ना, इसके बाहर बाहर वो अलग है। इसके अंदर जाने के बाद में आपको लगता है कि हाँ, रजवाड़े कैसे रहते थे, मतलब बहुत अल्टीमेट। इसमें कभी भी आओ, किसी मौसम में आओ, मैं बोलूँगा ठंड के टाइम पर आओ आप या बारिश में, बहुत अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। ये जो पूरा मार्केट आपको दिख रहा है, हल्दी, धनिया, मिर्ची वगैरह, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है थोक के भाव से। जब राजा महाराजा अपने टाइम में शॉपिंग करते थे ना, इन्हीं सब मार्केटों में आते थे और शॉपिंग होती। उस टाइम के अंदर जो लोग है ना, मतलब है ना, अपराधी होते थे और है ना गलत हरकतें, गलत काम करते थे, तो ये जो सामने गुंबज दिख रहा है ना दोस्तों, इस पे ला करके उसको फांसी दी जाती थी, और है ना उसकी लाश को ये रखा जाता था कि सब इससे सीखें कि कोई गलत काम नहीं करेगा। तो दोस्तों बाकी अब मैंने दूसरी गाड़ी चेंज की है और दूसरी ऑटो चेंज करके और मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्पिटल के ऊपर। अब यहाँ अभी तक तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था और मैं बहुत आराम से आ रहा था, पर अब मुझे पता है कि यहाँ जाने के बाद मेरी क्या दुर्दशा करने वाले हैं। वैसे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक है ये, टाइम लगता है पर दोस्तों तो बहुत अच्छी तरह से ये टेक केयर करते हैं, बहुत मतलब अच्छा है। अपने एक जैसे मिडिल क्लास के लिए ना भाई, देखो ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए जिसके अंदर पैसे थोड़े कम लगे, सर्विस ज़्यादा मिल जाए, हम सब यही सोचते हैं। जब मैं पहले दिन आया था ना दोस्तों, बहुत डरा हुआ था, पर आज बहुत अच्छी तरह से इसमें किया गया है। ये वाला कमरा है जिसके अंदर मेरा अभी वापस से धागा कटा है। पहले मैं इसमें एडमिट था, अभी मैं इसमें एडमिट हूँ। बेड नंबर है 240, तो यहाँ रेस्ट करूँगा, डिस्चार्ज के टाइम पे मिलता हूँ। दोस्तों कैसे भी बस खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता। इसको बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, धागा कट गया है, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से घर के लिए। यहाँ से दवाइयाँ मिलती थी, पिछली बार आया था तो इस कमरे में था मैं, और इस बार आया तो इस कमरे में। चलिए चलते हैं घर के लिए, कुछ भी हो हॉस्पिटल आदमी को आना चाहिए, अपने दुख को ना देख भी सकता है वो। और यार मिडिल क्लास के अंदर एक तरह से। अच्छा दोस्तों तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सेट करना, वैसे भी पिन छूटा है इससे। अब भाई मुझे 2 वीक के बाद में आना है, यही बैटरी वाली गाड़ी पकड़ी और चल दी अपने घर के लिए। घर चलते हैं और फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आप भी अपना ध्यान रखो, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ।